हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई भारत का संविधान, और ये पार्ट वन है। और आप मान के चलिए भारत के संविधान से हम 5 से 6 पार्ट देखेंगे, बट आपको एक काम करना होगा। अगर आपको भारत के संविधान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं तो दोपहर के 1 बजे देखना मत भूलिएगा रेलवे का जीके खजाना। देखिए भारत के संविधान से कवर करेंगे, इसी तरीके से पूरी जीके कवर करने वाले हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से कवर करा दूंगा। अगर आप ये 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन देख के जाते हैं तो चाहे आप NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मोस्टली जो पोर्शन होता है ना जीके का, वो कवर करा दूंगा, ठीक है। बट दोपहर के 1 बजे देखना मत भूलिएगा रेलवे का जीके खजाना। और प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट भी किया करें अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर करके। जितने भी स्टूडेंट आज इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपके ग्रुप हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, उनमें शेयर कर देना, ठीक है गाइस। आप जितना जितनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है हिंदी और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी हिंदी और उर्दू, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रारूप समिति ने जब भारत का संविधान लिखा था तो वो केवल इंग्लिश में लिखा था, यानी कि केवल अंग्रेजी इसका सही आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है गाइस। इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी। इस समिति द्वारा भारत का संविधान केवल अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था और बाद में इसको हिंदी में बदला गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है, क्या प्रेजेंट करता है आपका जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है बीच में, तो यह रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, बिल्कुल सही सत्य को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो भारत की राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है, सत्य को। देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, सभी को पता है, जिसमें समांतर 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरे केसरी की, मध्य में सफ़ेद और निचले हिस्से में आपका ग्रीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ध्वज की, तो ध्वज का रेशो भी आप जान लीजिए, ध्वज का रेशो है 2:3, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आई होप कि इतनी चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती है और ये सभी आपको पता होगी। अगर नहीं पता थी तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होगी, ठीक है गाइस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो ये तो अभी मैं बता चुका हूँ, 24 है, तो इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्तीय मंत्री थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये कई बार आता है एग्जाम में और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, देखिए इसका सही आंसर रहेगा R.K. Shanmugam Chetty, इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए कुछ और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्तीय जो मंत्री थे वो R.K. Shanmugam Chetty थे, तथा जॉन मैथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। तो कई बार आता है रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे पहले भारत के, वो थी कौन थे जॉन मैथाई, ठीक है। चलिए जबकि लियाकत अली खान अंतरिम मंत्रिमंडल के में वित्तीय मंत्री थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सारी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद 1949 को लागू हो गया था, इसका सही आंसर रहेगा, वेरी गुड, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 388 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन ए रहेगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, बिल्कुल ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की अंगीकृत किया गया और प्रस्तावना सहित संविधान के कुछ अनुच्छेद उसी दिन मतलब वर्किंग में आ गए थे। और प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, क्योंकि संविधान को सर्व भारतीय जनता ने अपने ऊपर शासन करने के लिए अधिनियम किया गया है। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैं जाने से पहले बता दूं गाइज, अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो सभी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर पे बैठ के कर सकते हैं। अब कहीं पे भी आपको दूसरी सिटी में नहीं जाना पड़ेगा या फिर कहीं पे भी आपको कोचिंग ढूंढनी नहीं पड़ेगी, अच्छी कोचिंग। ठीक है, कोचिंग आपको हर सिटी में मिल जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कोचिंग मिलना, बट अच्छे टीचर्स अच्छी कोचिंग आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं और उसमें अपना गोल सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तीन लाइनें आपको दिखेगी, उन तीन लाइनों पर क्लिक करके आप जैसे जाते हैं तो वहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करते हैं। जैसे रेलवे आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक किया, 3 और 6 मंथ का आपने चूज़ किया ये प्लान और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ गए। यहाँ पे फिर आपसे पूछा जाता है कि एंटर रेफरल कोड। जब आप पेमेंट कर दें गाइस, देखिए जैसे आप कोचिंग करते हैं वैसे ही ये ऑनलाइन कोचिंग है, एक बार ट्रस्ट आपको करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अनअकैडमी है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से पढ़ाता है, कितने अच्छे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। एक बार आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और जब भी आप परचेज करेंगे तो इस कोड का यूज़ करके 10% ऑफ पा सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो इस कोड का यूज करिएगा सौरभ11 का, और जब इस कोड का आप यूज करेंगे यहाँ पे भरेंगे तो अप्लाई के बटन पे भी क्लिक करिएगा। प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, एटीएम से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से। अगर आपको किसी भी क्लास की डेमो क्लास चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक मिलेगा आपको, पहला ही लिंक, ठीक है, उस पर क्लिक करके अभी एनरोल कर लेना है। ठीक है, उसमें आपको डेमो क्लास दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप सभी को पता होगा, साइड में त्रिभुज का छोटा सा निशान होता है, इसी वीडियो के में दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे जैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आ जाएगा, जो पहला लिंक होगा सबसे पहला, उस पर क्लिक करके आपको 15 से 20 सेकंड वेट करना होगा उसके खुलने का। खुलने के बाद में नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन होगा, उसमें रजिस्टर नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर भर के वहाँ पे OTP आएगा, उसको भर के आपका ये रजिस्टर हो जाएगा और रात के 10 बजे ये क्लास चलने वाली है आपकी अनअकैडमी पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? देखिए एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां होती है किसके हाथ में, केंद्र सरकार के, तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। एकात्मक सरकार में सभी शक्तियां केंद्र सरकार के निहित होती है और इकाइयों के प्राधिकारी उनके अधीन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में किस सरकार की विशेषता है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये विशेषता आपकी है संघीय सरकार की, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, ठीक है, जैसे राज्यसभा और उच्च सदन लोकसभा। निम्न सदन राज्यसभा और सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं द्वारा होता है, जबकि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहिएगा भाई, ठीक है, और वीडियो को जिसने शेयर नहीं किया है एक बार शेयर भी कर दीजिए, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ, अगर आप डेली शेयर कर देंगे तो मैं आपको बोलूँगा नहीं, ठीक है, जब तक आप नहीं करोगे तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि यार वीडियो बना के लेके आ रहे हैं तो इतना तो हमारा बनता है कि हम आपको ये तो बोल सकते हैं,
फ्री में दे रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो इतना तो बोल सकते हैं कि शेयर कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से भी गुस्से में आ जाते हैं कि सर बोल क्यों रहे हो, तो यार इतना तो बनता है मुझे लगता है मेरे को कि हम बोल सकते हैं भाई शेयर कर दो, और आपको करनी चाहिए, आपका भी इतना बनता है कि आपको शेयर करनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सही आंसर रहेगा सरकार की संघीय स्वरूप, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है, इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, पृथक्करण का खतरा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ये, ठीक है। देखिए संघीय सरकार के शासन का गंभीर दोष पृथक करना है, यह राज्यों के द्वारा समझौतों के आधार पर बनाया जाता है, जहां राज्यों की संघीय सरकार से अलग होकर होने का अधिकार होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो दोहरी नागरिकता विशेषता है आपकी किसकी, बिल्कुल कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध संसदीय सरकार की एक अतुलनीय विशेषता है। इस विशेषता में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के अंदर से ही होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस मामले में क्या कहा गया है कि धन निरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है बिल्कुल, ये कहा गया है बिल्कुल एम आर बोमई मामला ने, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। केशव नंद भारतीय बनाम के केरल राज्य के मामले के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सांसद संविधान के मौलिक ढांचे या मूल संरचना का उल्लंघन किए बिना संविधान में संशोधन कर सकती है, मतलब कि अगर संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत भी पड़ रही है तो उसका मूल जो ढांचा है उसमें कोई नहीं कुछ भी चेंजेस होंगे, बाकी और अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कुछ भी अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल है तो वो हटाया नहीं जाएगा, उसमें और ऐड हो सकता है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है, इसका सही आंसर रहेगा देखिए सभी तत्व आवश्यक हैं, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है, देखिए संघीय सरकार यूएसए में है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका संघीय ढांचे का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके लिए अनिवार्य है कि एक नाम्य लिखित संविधान हो और संविधान सर्वोच्च हो तथा इसके अंतर्गत जो है आपका इकाइयों की सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन हो, यानी कि जो आपका सरकार होगी उसमें शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों अपने अपने क्षेत्रों के स्वतंत्र रूप से शक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं। संघीय सरकार को केवल वही शक्तियाँ प्राप्त होती है
जो उसे इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी अधिनियम 1935 के द्वारा। तो सही आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में शासन की स्थापना करना, शक्तियों का विभाजन करना। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो इन चारों देशों में से आपको चूज करना है कौन से में लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा चीन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में होता है जनता का शासन। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होगा वो सरकार में जाएगा और सरकार बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। भारत में है, अमेरिका में है, नॉर्वे में है, लोकतांत्रिक देश है, जबकि चीन में ऐसा नहीं होता है। चीन में एक ही पार्टी का जो है शक्तियाँ निहित होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है किस में? इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल संघीय शासन प्रणाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल उपयुक्त सभी, लोकतंत्र की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों का सिद्ध लागू करना, सरकार की का स्थायित्व, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो सबसे पहले विधानसभा का गठन किया गया था 1921 में। तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और प्रथम केंद्र विधानमंडल की स्थापना 1921 में की गई थी तथा इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान में सामासिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो सही आंसर क्या रहेगा? एक राज्य संघ। तो अच्छा, ये यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो गए, तो ये महात्मा गांधी का तो कोई ऑप्शन में होना मतलब ही नहीं था। तो देखिए इसमें रहेगा एक राज्य संघ, यानी कि आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वो ऑप्शन में नहीं है। तो एक राज्य संघ, ये इसका सही आंसर है गाइस, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो सही आंसर रहेगा अध्यक्षीय सरकार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? गाइज इसका सही आंसर क्या रहेगा? केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए एकात्मक सरकार और संघीय सरकार का वर्गीकरण मुख्य आधार पर राज्यों के बीच, केंद्र राज्यों के बीच संबंध है। एकात्मक सरकार की सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, ये सभी को आपको पता चल चुका होगा, और तथा राज्य के अभिकर्त के रूप में कार्य करते हैं। जबकि संघीय सरकार क्या होती है? केंद्र व राज्यों की इकाइयों के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन होता है। अब बताइए भारत का संविधान है,
बिल्कुल अर्ध संग आत्मा क्या, देखिए दोस्तों ये आपका पूरा संज्ञा नहीं है, ठीक है, अर्ध संगात्मक है यानी कि क्वासी फेडरल है, तो ये आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वासी फेडरल है। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है दोस्तों? इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? बिल्कुल, देखिए भारतीय संविधान यानी कि संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। देखिए भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। कितनी थी? 389। बट भारत के विभाजन के बाद, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह गई थी, 299। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें रियासतों से 70 सदस्य रियासतों से थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, ये आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, यानी कि आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत अधिनियम और मतलब बना लिया था, और इसमें फिर 26 जनवरी 1950 को प्रभावी में लाया गया था, यानी कि अपना लिया गया था, ये आपको याद रखना है। लागू कर दिया गया था, मतलब 30वां क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू आपका कब हुआ था दोस्तों? इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस यही है, ठीक है, यानी कि अपना पहले लिया था फिर लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो ये आपको याद रखना है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि, बिल्कुल देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में संविधानता दिवस के रूप में मनाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, बट नहीं, 26 नवंबर इसका सही आंसर रहेगा। और देखिए ये मनाया क्यों जाता है, भारतीय गणराज्य का गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती अभी मनाई गई थी आपकी के शताब्दी वर्ष के लक्ष्य पर 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया है, और तब से भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान जो है दोस्तों कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो देखिए मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, देहरादून से। मूल संविधान में कितने शब्दों से बना है, जो हमारा मूल संविधान है वो कितने शब्दों से बना है गाइस? इसका सही आंसर रहने वाला है 80,000 शब्दों से। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे अनुच्छेद थे 395, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था 80,000 शब्दों के द्वारा, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये तो आप सभी को रट गया होगा क्वेश्चन,
बिल्कुल भारत का है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में मैंने अभी बताया 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर रहेगा अमेरिका में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? बिल्कुल संसद भवन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारत का मूल संविधान जो टाइप और मुद्रित नहीं है, जो कि हाथों से लिखा गया है, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण राजा रायजादा द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो दस्तावेज है ये संसद भवन में हीलियम बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो गाइस आप मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसे